subscribe to our channel and press the bell icon for latest cricket and football news. तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला इंडियन फुटबॉल और आईएसएल के कुछ अपडेट्स के बारे में, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखो, लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेज ओमान वाले फ्रेंडली मैच की। दोस्तों ये मैच 0-0 से टाई रहा। इस मैच में इंडिया के स्ट्राइकर जेज और सुनील शेट्टी ने बहुत अच्छे चांसेस बनाए पर गोल में तब्दील नहीं कर पाए, और इंडिया के डिफेंस ने भी बहुत अच्छी डिफेंडिंग की कि ओमान के स्ट्राइकर को गोल करने का चांस भी नहीं बनाने दिए पूरे मैच में। और इसी के साथ फुल टाइम का स्कोर था 0-0। दोस्तों ये इंडिया टीम का आखिरी फ्रेंडली मैच था, अब इंडिया एएफसी कप में खेलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं मिगुअल पलांका की कि क्या वो एटीके में आ रहे हैं कि नहीं। दोस्तों मिगुअल पलांका 31 साल की स्पेन के खिलाड़ी हैं और वो आईएसएल में एफसी गोवा की तरफ से खेल रहे हैं, और उन्होंने 7 मैचों में 3 गोल भी किए हैं और ये मिडफील्ड में खेलते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते रहे क्योंकि मैं आपसे आखिरी में एक सवाल भी पूछूंगा। दोस्तों बहुत दिनों से न्यूज आ रही है कि मिगुअल पलांका एटीके में आ रहे हैं। दोस्तों ये अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है। दोस्तों ना ही ऑफिशियली न्यूज आई है एटीके या गोवा के टीम के तरफ से। दोस्तों पर एटीके और गोवा में बात चल रही है मिगुअल पलांका की साइनिंग की। दोस्तों बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मिगुअल पलांका एटीके में आ जाएंगे। दोस्तों अभी आगे देखना है कि क्या गोवा और एटीके में पलांका की साइनिंग वाली बात 100% कन्फर्म होती है कि नहीं। दोस्तों मेरे ख्याल से एटीके गोवा में से पलांका को लोन के तौर पर ला देगी, पर अभी तक यह 100% कन्फर्म नहीं हुआ है। दोस्तों गूगल पे भी दिखा रहा है कि मिगुअल पलांका एटीके में आ चुके हैं एफसी गोवा में से लोन के तौर पे। दोस्तों ये आपकी स्क्रीन के सामने है। दोस्तों सवाल ये है कि क्या एटीके ईडू गार्सिया, प्रीतम कोटल और मिगुअल पलांका के साइनिंग के बाद क्वालिफाई कर पाएगी कि नहीं। दोस्तों इस सवाल का जवाब वीडियो के ऊपर वाले आई बटन पे क्लिक करके दीजिए। दोस्तों ऊपर वाले आई बटन पे क्लिक करके यस या नो में जवाब दीजिए जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।